नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वाई रघु में। आज हम बात करेंगे शहर तथा उनके बदले हुए नामों के बारे में, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम यानी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। बोगीबुल पुल ये आपके आसाम में डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका नाम है अटल सेतु। ये डबल डेकर पुल है, ऊपर इसके ट्रेन चलती है और नीचे व्हीकल यानी हाईवे बना हुआ है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आपका भोपाल में है, इसका नाम बदल के रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप के नाम से रखा गया है। स्वराज द्वीप का नाम बदल कर किया गया है हैवलॉक द्वीप। ये सब अंडमान निकोबार में है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम बदल के किया गया है रॉस द्वीप के नाम से। ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से संबोधित किया गया है। वाराणसी से दिल्ली चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है ये, इसमें बिना बिना इंजन की ट्रेन है। स्वच्छ भारत अभियान को सुंदर भारत अभियान के नाम से रखा गया है। नया रायपुर जो आपका छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम अटल नगर के नाम से रखा गया है। आगे देखते हैं, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से इसका नाम चेंज किया गया है। रोहतांग सुरंग अटल सुरंग के नाम से रखा गया है। इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर, लेह से मनाली को जोड़ती है। हिमाचल की शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा है। दिल्ली का जो औरंगजेब रोड है, उसे कलाम रोड के नाम से संबोधित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। इसके बाद चेनानी नाशरी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जानी जाएगी। आगे ये जम्मू कश्मीर में NH44 पे 9.8 किलोमीटर लंबी है। प्रगति मैदान मेट्रो का नाम बदलकर किया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा किया गया है। महान क्रांतिकारी थे वीर सुरेंद्र साई। अहमदाबाद का नाम कर्णावती के नाम से रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। चेन्नई रेलवे स्टेशन डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। डॉक्टर एमजी रामचंद्रन जो थे 1987 के समय चेन्नई के इन तमिलनाडु के CM थे। बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर किया गया है नाथ नगरी एयरपोर्ट। कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर किया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट हजरतगंज चौराया। लखनऊ में है अटल चौक के नाम से इसका नाम परिवर्तित किया गया है। आगरा एयरपोर्ट को पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम से परिवर्तित किया गया है। आगे और देख लेते हैं, साबरमती घाट को अटल घाट के नाम से संबोधित किया गया है। शिमला को श्यामला, गुड़गांव को गुरुग्राम, मेवात को नूह के नाम से चेंज किया गया है। यहाँ कांडला बंदरगाह को देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दिल्ली डेयर डेबल्स ये IPL की टीम है, जिसका नाम बदल के किया गया दिल्ली कैपिटल। गोरखपुर एयरपोर्ट को किया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। अलीगढ़ को हरीगढ़ के नाम से चेंज किया गया है। अगरतला एयरपोर्ट ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक 0 डिग्री लाइन, जहाँ ये बॉर्डर क्रॉस होता है उसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं। अगरतला एयरपोर्ट को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है, चेंज किया गया है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये आपका लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से किया गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें केवल महाराज नाम का शब्द जोड़ा गया है। फैजाबाद को अयोध्या के नाम से व्हीलर द्वीप का नाम APG अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से चेंज किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से संबोधित किया गया यानी चेंज किया। रमेश पोखरियाल निशंक इसके मिनिस्टर हैं। मंडुआ डीव रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से चेंज किया गया है। भोपाल मेट्रो राजा भोज मेट्रो के नाम से चेंज किया गया है। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई नागपुर जो कम्युनिकेशन एक्सप्रेस है, का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेस वे किया गया है। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी किया गया है। पंजाब का नेशनल हाईवे 703 703 AA का नाम बदलकर गुरु नानक देव नेशनल हाईवे किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक का नाम बदलकर केवल वर्ल्ड एथलेटिक कर दिया है, जिसका मुख्यालय मोनेको में है। इसके बाद मानव जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय का नाम बदलकर किया गया है शक्ति मंत्रालय। इसके बाद औरंगाबाद हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किया गया है। स्मार्ट ग्राम योजना ये RS पाटिल योजना के नाम से किया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन किया गया है। जम्मू में सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक किया गया है। जम्मू में सर्कुलर चौक को अटल चौक के नाम से संबोधित किया गया है। और इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नाम चेंज किया गया, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है। इसी के साथ दोस्तों, NTPC रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जितनी भी आपकी करंट है, वो आपको वीडियो वाइज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से आपका काफ़ी स्कोर करंट का होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
जय हिंद दोस्तों।